अपना मतलब ग्रीन वाला बोर्ड नहीं रहेगा आज, अपना थोड़ा सा ये चीज रहेगा मतलब नॉर्मल वाला, ठीक है। ये वाला वीडियो वाला लूप अच्छा है, वरना नीचे से ऊपर वाला सही नहीं रहता। हाँ, तो अब मुझे बता, आज हम लोग पढ़ेंगे ये सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन का ऊपर अपर वर्जन। तो मुझे एक छोटा सा मतलब पहले से याद दिलाओ कि सर्कुलर मोशन कितने टाइप होते थे। सर्कुलर मोशन में दो टाइप, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। में क्या चीज जीरो होती है? टेंजेंशियल टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन मतलब बॉडी के अंदर कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होता, मतलब बॉडी का स्पीड क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये मैंने बोला था। फिर उसके बाद एक चीज और थी, यूनिफॉर्म सर्कुलर मतलब तीन चीज आपको याद रखनी थी। एस इज इक्वल टू क्या? वी इज इक्वल टू ये तीन चीजें बिल्कुल दिमाग में रखनी है। इसको हम लोग बोलते हैं टेंजेंशियल स्पीड, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। एटी वीटी लिखते हैं अपन। देखो थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी क्लॉकवाइज घूम रहा होगा तो फिंगर्स घुमाने का थंब डायरेक्शन देगा, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। ये एंगुलर क्या होती है? वेलोसिटी होती है जो एंगुलर के डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में होती है, यानी होता है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो ये सारे टर्म्स को हम लोग इवन रोटेशन मोशन में भी पढ़ने वाले, ठीक है। तो अभी के लिए ना ये चीज एकदम प्रॉपर दिमाग में, बिल्कुल दिमाग में डाल दो। एटी की वैल्यू जीरो, तो अल्फा भी यहाँ पे जीरो होगा। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या? देखो ना, कोई भी चीज कॉन्स्टेंट स्पीड में घूम रही है, ठीक है। अब कॉन्स्टेंट स्पीड में घूम रही है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कौन सा मोशन बोलेंगे? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या है? स्पीड बढ़ाते गए बढ़ाते गए, दौड़ते दौड़ते स्पीड बढ़ाते जा रहे हो, तो इसमें क्या होगा? टेंजेंशियल तो जीरो है ही नहीं। देखो इन दोनों केसेस में रेडियल की वैल्यू कितनी होती है? नॉट इक्वल टू जीरो नहीं, रेडियल की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन कितनी होती है? वी स्क्वायर बाय आर। हाँ, वी इंटू ओमेगा वी स्क्वायर बाय आर और ओमेगा स्क्वायर आर। बस ये दोनों चीजें होती है दोनों में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। इतना चीज दिमाग में रख लो। तो मुझे तो इतना तो आपको याद है ही है कि ये मैंने काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन बोला था, ठीक है। अब ये होने के बाद और एक चीज आती है, एक मिनट, ये होने के बाद और एक चीज आती है जिसको हम लोग बोलते हैं, देखो हाँ, उसके बाद आता है डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, जिसमें अपन ने देखा था अलग 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 केसेस में, जैसे जैसे ये घूम रहा होगा, मतलब एक आदमी है जो सिर्फ आदमी है, ये सपोज आदमी रोड के अंदर घूम रहा होगा तो अपन क्या निकालते हैं? पहले सेंटर फाइंड आउट करते हैं, फिर आदमी का सेंटर में क्या एक्सेलरेशन निकालते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होती है? वी स्क्वायर डिवाइड बाय क्या होती है? आर होती है। एक एक्सिस हो गई मेरी, दूसरी एक्सिस हो गई, फिर मैं सारे फोर्सेस को यहाँ पे ड्रॉ करूंगा। तो ग्रेविटी, जैसे मैंने आपको बोला ग्रेविटी हो गई नीचे, नॉर्मल फोर्स हो गया ऊपर, और फ्रिक्शन कहाँ पे हो गया? टुवर्ड्स सेंटर। मुझे बताओ ये इसमें इस फ्रिक्शन को हम लोग कौन सा फोर्स बोलेंगे? सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स। तो फ्रिक्शन देखो ध्यान में रखना, मैं बोलता था फ्रिक्शन बिहेव्स एज अ सेंट्रीपेटल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो अपने को पता है फ्रिक्शन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एम वी स्क्वायर बाय क्या? आर। तो मुझे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मुझे सपोज वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो फ्रिक्शन भी क्या होना पड़ेगा? मैक्सिमम। और फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है म्यू एस एम जी। तो ये करने के बाद एम एम कट हो गया और वी की वैल्यू कितनी आई? अंडर रूट ऑफ क्या? आर जी, ठीक है। अब उसके बाद मैंने क्या किया था? सपोज फ्रिक्शन है ही नहीं और रोड को बैंक किया था तो क्या हुआ था बताओ मुझे? रोड को सपोज मैंने बैंक किया, नॉर्मल एक्ट्स एज अ कांटेक्ट फोर्स व्हिच क्रिएट्स फ्रिक्शन इन द मोशन। यस, तो नॉर्मल एक्ट्स एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि नॉर्मल का कोई कंपोनेंट आ जाता है। मतलब सपोज ये ऐसा सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसा पकड़ लो, ठीक है, रोड को मैंने बैंक करवा दिया, सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो सेंटर यहाँ पे आ गया। पहले क्या फाइंड आउट करना होता है? मैंने क्या बोला था? सेंटर। उसके बाद क्या लिखने का? एक्सीलरेशन। फिर उसके बाद इसकी सारी एफबीडी ड्रॉ कर दी, तो यहाँ पे mg कहाँ पे आ गया? नीचे आ गया। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे आ गया? परपेंडिकुलर टू द पे आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी एक्सिस कहाँ पे? मेरी एक एक्सिस कौन सी होगी? ये वाली अलोंग द सेंटर, और मेरी एक एक्सिस ये होगी। तो इस केस में अपन ने कौन सा एंगल लिया था? ये एंगल को, इस एंगल को भी क्या माना था? थीटा। तो n के दो कंपोनेंट हुए, कौन सा? n cos थीटा, n cos थीटा एंड n sin थीटा। तो याद करो n sin थीटा की वैल्यू कितनी आई थी? mv स्क्वायर अपॉन r। mv स्क्वायर अपॉन r। तो n sin थीटा दिस बिहेव्स एज व्हाट? सेंट्रीपिटल फोर्स इन दिस पर्टिकुलर
क्वेश्चन, ये मैंने पिछले लेक्चर में भी करवाया था. यस सर. ठीक है, तो n sin theta to mv square by r हो गया था. एंड व्हाट इज n cos theta? mg. ठीक है, तो ये सेकंड हो गया. फिर tan theta equal to कितना आ गया इसमें? कितना? v square by rg. ठीक है, तो अब मुझे बताओ, सपोज ये जो बेसिकली जो घूम रहा है, जो कार घूम रहा है, उसका एग्जैक्टली स्पीड इतना है, उसका एग्जैक्टली स्पीड v नॉट, मतलब जो मैंने यहाँ पे v नॉट स्पीड दे रहा हूँ, v नॉट स्पीड की वैल्यू अंडर रूट ऑफ सपोज आर जी टेन थीटा है, तो मुझे बताओ कार को फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है क्या? नो सर. मतलब यहाँ पे कार को फ्रिक्शन की जरूरत पड़ती है क्या? यहाँ पे नहीं पड़ती. मतलब बिना फ्रिक्शन से ये उस पर्टिकुलर रेडियस पे जा सकता है. देखो ये जो रेडियस है, इस पर्टिकुलर रेडियस पे बिना फ्रिक्शन से वो घूम सकता है. यस सर. मुझे बताओ सपोज उसका स्पीड कम हो गया. देखो tan थीटा यहाँ पे तो कांस्टेंट, देखो थीटा नॉट लिखता हूं मैं, तो tan थीटा नॉट हो गया. मुझे बताओ यहाँ पे थीटा नॉट को वैसे के वैसे रखा और मैंने ना कार का स्पीड कम किया, तो कार कहाँ पे आएगी? मुझे बताओ कार का स्पीड यहाँ पे मैंने v नॉट पे कम कर दी, तो कार कहाँ पे आने की कोशिश करेगी? रेडियस भी क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा भाई, यहाँ आने लगेगी. हाँ, अब तुम थोड़ा सा इमेजिन करो ना, सब घूम रहा है, कार का थोड़ा स्पीड कम करो, नीचे आएगी. हाँ, कार का स्पीड थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करो, कहाँ पे आने की कोशिश करेगी? आगे ऊपर अलोंग द बैंकिंग. मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब यहाँ पे मैं क्या हो रहा है, मैं वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रेडियस क्या हो रही है? इंक्रीज. मैं रेडियस को वेलोसिटी कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो रेडियस भी क्या हो रही है? अपन ने रोड को सेट किया है. तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, sir. अब इसमें एक अच्छा क्वेश्चन बनता है बड़ा वाला. ठीक है, अब हम लोग जाते हैं थोड़ा सा अपर वर्जन. ठीक है, ये क्वेश्चन इवन नीट के अपर लेवल में पूछा गया है. ठीक है, और कभी कभी ये इवन बोर्ड्स में, मतलब बोर्ड्स के नॉर्मल, अब ट्वेल्थ में जाओगे ना तो ट्वेल्थ के बोर्ड्स में भी इसका डेरिवेशन लिखा है, तो ये मतलब पूछा जाता है. लेकिन ये क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस लेवल का. ठीक है, कहीं ध्यान में ध्यान से सुनो इस क्वेश्चन को, और मतलब इस कंसेप्ट को ऐसा पकड़ लो, ये बैंकिंग है. ठीक है, मैं बैंकिंग का यहाँ पे पहले ये बना देता हूं. आपको समझ में ना क्या हुआ? बैंकिंग मतलब ये फनल है, तो अपना कार जो है वो कार ऐसा करके घूमता रहेगा. समझ में आ रहा है ऐसा फनल? हाँ सर. तो अपन ने पिछले लेक्चर में भी किया था. ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैंने इस मास को यहाँ पे ऐसे रख दिया, और ये एंगल देखो. आपको मैं एक बात बताऊ, मंडे, हर मंडे एंड फ्राइडे मेरा 7:30 को लेक्चर रहेगा, जो कि अभी नए स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं अभी ये लास्ट का बैच है हमारा, जो लास्ट जो इवनिंग को बैच है. तो आपको चाहिए तो आप उसमें भी बैठ सकते हो, टाइम मिला तो. चीजों को कौन सा है 7:30 को? आज तो स्केलर वेक्टर का है, आज मैंने कैलकुलस वहां पे खत्म किया ना, नहीं सॉरी, आज कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्विंग है. अच्छा ओके, तो कैलकुलस को सपोज बैठना है तो बैठ जाओ. तो इसलिए मैंने बोला ना, आज आपको शायद से आपको कितने लेक्चर अटेंड करने पड़ेंगे? सर मैं न्यू बैच का हूँ सर. डाउट सॉल्विंग भी है आज अभी, तो शाम के बैच में हूँ. इधर कहाँ पे आए सर? मुझे मैसेज आया था, लिंक आया था ये. हाँ तो लिंक है तो कोई सर, मैं भी वही बैच का हूँ. हाँ तो कभी सुनो, मैं आपको वापस बोला, जो नए स्टूडेंट्स राज और सार्थक, तुम्हारा हर मंडे एंड फ्राइडे 7:30 को लेक्चर रहेगा. कितने बजे? 7:30. हाँ, 7:30 PM को तुम्हारा लेक्चर रहेगा. उसके बाद तुम्हारा लेक्चर का ड्यूरेशन थोड़ा सा 7 to 9 हो जाएगा बाद में. यस सर. ठीक है, तो अभी तुम लोग को, जो भी लोग नए होते हैं गाइस, मतलब 2-3 लोग मैं देख रहा हूँ यहाँ पे गाइस, तो आपका शाम का लेक्चर है. ये बैच ऑलरेडी चल, मतलब आगे जा रही है. ठीक है, वहां पे एकदम वो लास्ट की बैच है जहां पे मैं एकदम स्टार्टिंग से भी स्टार्ट करने वाला, मतलब कैलकुलस हो चुका है वो सबके लिए मैंने करवाया. स्केलर वेक्टर स्टार्ट होगा, फिर काइनेमेटिक होगा, स्केलर वेक्टर का है ना, खत्म होगा. हां क्योंकि रिविजन है स्केलर वेक्टर का.
हाँ सर उसका लिंक आया सर हमको। आपको देखो रिवीजन में बैठो, ये पूरा का पूरा हफ्ता आप रिवीजन में बैठोगे ना, आपको ऐसा लगेगा अरे यार हाँ फिजिक्स वापस पढ़ोगे, और जब वापस पढ़ते हैं ना फिजिक्स तो आपको समझ में आएगा कितना अच्छे से सॉल्व हो जाता है, समझे? हाँ सर। मैं आपको हर एक लेक्चर के पहले वर्कशीट भेजूंगा, स्केलर वेक्टर में तो वैसे बहुत सारा चीज किया हुआ है अपन ने, तो अपन ने ओल्ड वाली वर्कशीट देखो, आपको ओल्ड वर्कशीट थी अपनी ओल्ड वाली मतलब वो आपके पास होनी चाहिए मोबाइल में। मैंने कल एक नया वाला वर्कशीट भेजा है तो वो आपके प्रैक्टिस के लिए, वो भी आप करते रहो ठीक है। उसके बाद मैंने अंदर एक और वर्कशीट भेजी आपको 100 questions की ठीक है, तो वो तो ठीक है वो जरूरत नहीं है, वो तो वैसा बहुत सारा होता रहेगा, लेकिन एटलीस्ट वो पहली वाली थी ना एकदम लेवल वन लेवल टू सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वो लेके बैठो ठीक है। सर फिर हम न्यू बैच वाले अटेंड करें लेक्चर है? नहीं न्यू बैच वाले अटेंड नहीं करना भाई, तुम ये रिवीजन लेक्चर तुमको थोड़ी समझ में आएगा। ओके सर। सर बैच 2 का डाउट सॉल्विंग कैंसिल हो गया था? हां सर मंडे को। हां मंडे को ना, अरे नहीं अभी थोड़ा टाइम चेंज करना है क्योंकि बेसिकली नहीं हाँ अभी से तुम्हारा मतलब क्योंकि एक वापस में रिवीजन का सीरीज ला रहा हूँ ना मैं, नहीं 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 ये लास्ट का लेक्चर है, अगले हफ्ते से 7:30 का तुम्हारा डाउट सॉल्विंग सेशन प्रॉपर रहेगा क्योंकि मेरे टाइम के साथ क्लैश हो रहा था इसलिए वो कैंसिल हुआ था। ओके सर चले ठीक है। और तुमको मैं एक भी आज भी बोलता हूँ कि जो डैट एंड वैट होती है, जो मैं आज डैट लिखा है, आज डैट थोड़ा सा डिफिकल्ट है गाइस, पहले बोल के रखता हूँ 5-6 questions लेकिन डिफिकल्ट है। तो डेट एंड वेट का आपको पता ना अभी क्या मिलने वाला है आपको? डेट एंड वेट का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा, मतलब जैसी डेट एंड वेट बनाऊंगा अभी से तो डेट एंड वेट का, जैसी डेट एंड वेट हो जाती है 2 दिन के बाद, पहले आपको ना थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, 2 दिन के बाद इसका वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किया जाएगा ठीक है। और सर पिछले वाले डेट और वेट नहीं, वो अभी मतलब इतना टाइम मेरे पास अभी नहीं है, पहले अभी ये करते हैं पिछले वाला डेट एंड वेट। हाँ पिछले वाला जो डिफिकल्ट वैट होता है, वैट डेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिफिकल्ट जो वैट होता है उसका मैं करूंगा, जैसे मैंने किया है ना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन एंड फ्रिक्शन का, आपने देखा? हाँ, यस सर। एनएलएम फ्रिक्शन का वैट का मेरे 15-16 questions तो हो चुके, जो बहुत ही बहुत मतलब जेई एडवांस लेवल का था, वो डिफिकल्ट लेवल। जेई एडवांस में भी जो अपर लेवल के क्वेश्चन थे उसमें आपने देखा होगा एनएलएम एंड फ्रिक्शन, राइट? अपलोड मैंने आपके बैच में भी डाला है देखो, और सबको कहाँ पे देखना होता है पता है ना, आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो बैच 1 और बैच 2 ऐसा करके लिखा हुआ है, बैच 1 और बैच 2 का प्लेलिस्ट है मेरा प्लेलिस्ट, तो बैच 2 के प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज है 1 by 1, समझ में? बैच 2 के प्लेलिस्ट में वीडियो डाल रहा हूँ, बैच एंड बैच का वीडियो दोनों जगह पे अपलोड हो जाएगा। हाँ वीडियो सॉल्यूशंस के भी नहीं, वो उसी प्लेलिस्ट में जाएगा डेट एंड वेट। ओके अलग से प्लेलिस्ट बनाऊं? बना सकता हूँ। हाँ सर वो अच्छा पड़ेगा। हाँ मतलब क्वेश्चन मतलब डेट एंड वेट प्लेलिस्ट ऐसा करके ठीक है, बना सकता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं ठीक है। तो ये समझ में आ रहा आपको, मतलब आज आपको 3 lectures बैठने हैं, तो आज का लेक्चर में ये वाला 2 घंटे का लूंगा, फिर वो 2.5 hours का लेक्चर होगा, और मोस्ट प्रोबेबली आज शाम को भी आपको बैठना है क्योंकि कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्विंग होगा ठीक है, इसमें भी कैलकुलस थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा, कैलकुलस का क्वेश्चन सॉल्विंग होगा तो लास्ट दिन का भी 1.5 hours बैठो, तो इतना घंटा आपको आज फिजिक्स पढ़ना है आपकी लगने वाली, और कल पूरा का पूरा अच्छे से रिवाइज करो ठीक है, स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस को अच्छे से रिवाइज करो, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, और फिर परसों का एग्जाम दे दो ठीक है। सर हाँ बोलो। सर हमारे बैच मतलब हमारे ग्रुप में आज 7 o'clock का डाउट सॉल्विंग सेशन का भी आया है। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, वो अभी मैं कैंसिल करवाता हूँ ठीक है। ओके सर। और सुनो अक्टूबर अराउंड मिड मतलब अराउंड 20th October या उसके करीब आजू बाजू में जो संडे वगैरह आएगा, आप लोग का सबका पेरेंट टीचर मीटिंग होगा, समझ रहे हैं? तो पेरेंट टीचर मीटिंग के पहले आपकी 4 tests होने वाली है गाइज, ये 4 tests होगी, टेस्ट थोड़े से अच्छे से दो, कम मार्क्स आए तो डरना नहीं है, जैसे कि आज के टेस्ट मतलब कल परसों के टेस्ट में कम मार्क्स आया तो अगला वाला टेस्ट में अच्छा करना है, ये सोचना है दिमाग में ठीक है।
आतिश सर का सेशन औरंगाबाद नासिक के लिए बचा हुआ है वो कर लेंगे, लेकिन आतिश सर का सेशन और एक बार होगा सेकंड वीक में और उसके बाद अपनी पेरेंट टीचर मीटिंग होगी इंडिविजुअल पेरेंट के साथ। इंडिविजुअल मतलब आप चार चार पांच पांच लोग का जो दोस्त वाला ग्रुप है उनको बुला के हम लोग पेरेंट टीचर मीटिंग करवाएंगे कि आपका तुम कहाँ पे गलत जा रहे हो, क्या तुम्हारा प्रॉब्लम है, क्या तुम मतलब करते हो, क्या पढ़ते हो तुम लोग, घर में कितना पढ़ते हो, वो सब कुछ हम लोग फीडबैक आपको पूछे आपको देंगे भी और पूछेंगे भी। ठीक है, तो ये सब चीज दिमाग में रखना। एक महीना थोड़ा सा जान लगा के पढ़ो गाइस, एक महीना थोड़ा जान लगा के पढ़ो। फिजिक्स डिफिकल्ट है लेकिन आपको उसको इजी बनाना है। देखो मैं रिवीजन वगैरह कर रहा हूँ वापस, कोई जगह पे रिवीजन ऐसे करते नहीं है। ठीक है, वो आगे बढ़ते रहते लगती रहती है, तो मैं कर रहा हूँ आपके लिए, तो इतना ध्यान में रखना, थोड़ा सा आप भी मेहनत डालो। ठीक है, चलो अभी अपन जाते हैं अपने इसके ऊपर। अरे गया, ये ऐसा रह गया, चलो छोड़ो इसको। ठीक है गाइस, यहाँ पे देख लो सब लोग। हाँ, तो मैंने अभी पहले क्या बनाया यहाँ पे, मैं जो यहाँ पे देखो अभी ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, और ये बैंकिंग ऑफ रोड है, मतलब ये मैंने बराबर एंगल थीटा से बैंक किया हुआ है, और ये भी एंगल ऐसा थीटा है। ठीक है, मतलब एक फनल है, फनल मतलब इस तरीके का मौत का कुआ बोल सकते हो, मौत के कुएं में ये गाड़ी घूम रही है, ये मौत का कुआ है जिसमें ये गाड़ी है, उसका मास m है। तो मुझे बताओ पहले क्या अपन फाइंड आउट करेंगे, स्टेप्स टू फॉलो इन सर्कुलर मोशन, पहले फाइंड आउट करना है सेंटर। फाइंड आउट करने के बाद वहां पे क्या लिखने का, एक्सेलरेशन कितना है, वो वी स्क्वायर बाय r। फिर यहाँ पे एक्सिस बनानी है, बना दी मैंने। ठीक है, एक्सिस बनाने के बाद ये एक्स एक्सिस हो गई, ये मेरी वाई एक्सिस हो गई, बना दी। फिर उसके बाद सारे फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं, चलो फोर्सेस को ड्रॉ करते हैं, बहुत सारे कलर अपने पास। अच्छा ठीक है, ये ग्रेविटी हो गया, फिर ये नॉर्मल हो गया, ये फोर्सेस तो मैंने ड्रॉ कर दिए। ठीक है, एंगल कहाँ पे थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा। ठीक है, अब गाइस सब लोग सुनो पहले तो मुझे बताओ n का एक कितना कंपोनेंट आ जाएगा, n का कितना कंपोनेंट आ जाएगा, n cos थीटा और n sin थीटा। ठीक है, तो n sin थीटा लिख देता हूँ मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं, n cos थीटा, n cos थीटा। तो मुझे बताओ अभी इसकी काम है क्या, इसका काम है क्या n का, नहीं काम खत्म हो गया। ठीक है, अब मुझे बताओ n sin थीटा n cos थीटा हो गए। अब पहला केस मुझे बताओ, सपोज इस ब्लॉक का वेलोसिटी, देखो ये जो कार है वो स्पीड v से घूम रही, इफ ठीक है, केस वन है, इसमें मैं केस वन लिख रहा हूं, यहां पे ध्यान से सुनो। ठीक है, यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, केस वन, इफ द स्पीड ऑफ द कार इज इक्वल टू एग्जैक्टली v नॉट। अब v नॉट कौन सा स्पीड है, मैं बताता हूं v नॉट कौन सा स्पीड है जहां पे उसकी जरूरत पड़ी थी क्या उसको, मतलब n sin theta इज इक्वल टू क्या था, m v नॉट स्क्वायर बाय r, n cos theta इज इक्वल टू क्या था, mg, और इसको मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, tan theta is equal to v naught square by rg, v naught square by rg। ठीक है, v naught square by rg, तो यहाँ पे v naught की वैल्यू कितनी आई थी, अंडर रूट ऑफ क्या, rg tan theta। ठीक है, v naught is equal to under root of rg tan theta। ठीक है, तो ये चीज आया था, तो यहाँ पे v naught की वैल्यू rg tan theta आई थी, मतलब मेरा मतलब जो कार का स्पीड है वो इतना है। तो मुझे होता इस केस में फ्रिक्शन की जरूरत है क्या, नो सर तो फ्रिक्शन इज नॉट नीडेड, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फ्रिक्शन इज नॉट नीडेड, फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, अब केस टू, ठीक है, अब केस टू में चाहिए तो दूसरे कलर में लिख देता हूँ केस टू। अब केस टू में नाउ इफ द कार का स्पीड इज ग्रेटर देन वी नॉट, जो अपन ने यहाँ पे कैलकुलेट किया ना वी नॉट, तो मुझे तो कार कहाँ पे जाने की कोशिश करेगी, ऊपर। अब ऐसा भी हो सकता है ना गाइस, मैंने पिछले बार किसका एग्जांपल दिया था पता नहीं मुझे, लेकिन सबके कार में थोड़ी ऐसा होता है कि सबके कार में फ्रिक्शन नहीं है, कुछ लोगों के कार में फ्रिक्शन भी होता है ना, मतलब मैक्सिमम सारे लोगों के कार में फ्रिक्शन होता है, तो वो फ्रिक्शन भी है और बैंक भी किया है तो क्या होगा, ऐसा पूछा है। तो अब मुझे होता है इफ v इज ग्रेटर देन v नॉट, तो मुझे होता है जो कार है वो कहां पे जाने की कोशिश करेगी, बताओ मुझे,
तो मुझे बताओ फ्रिक्शन जो है यहाँ पे, फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? फ्रिक्शन पैरेलल टू प्लेन ना, देखो यार फ्रिक्शन अपोजिट द रिलेटिव मोशन, तो ऊपर जाने की कोशिश करते तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। तो फ्रिक्शन सपोज नीचे आया, तो सपोज मैंने एंगल थीटा लिया, तो मुझे तो फ्रिक्शन के कितने कंपोनेंट आएंगे यहाँ पे? तो मुझे बताओ और स्पीड बढ़ाते गया बढ़ाते गया बढ़ाते गया, तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी यहाँ पे क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। और एक टाइम के बाद क्या होगा? कार क्या हो जाएगी? स्लिप हो ही जाएगी। क्यों? तब फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? मुझे बताओ फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? फ्रिक्शन हाँ स्टैटिक फ्रिक्शन माइंड में तो नहीं, स्लाइड होने के बाद जस्ट स्लाइड होने वाली है। अच्छा हाँ, तब कितनी होगी फ्रिक्शन? मैक्सिमम होगी ना? यस तो हाँ, तो मुझे बताओ इस केस में, फिर इस केस में पहले इक्वेशन बताओ क्या होगा। अब मुझे बताओ इस डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है यहाँ पे बताओ मुझे, सेकंड केस में? n sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। n sin थीटा प्लस f cos थीटा, cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r। और यहाँ पे ऊपर क्या हो जाएगा? n cos theta minus f sin theta हाँ equal to क्या? mg plus यहाँ पे क्या था? f sin theta था। देखो यहाँ पे yes sir f sin theta को यहाँ पे लेके आओ ना यार, मतलब minus f sin theta लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं क्या बोला? f sin theta को इधर लेके आओ, तो यहाँ पे क्या हो गया? n cos theta minus f sin theta, f sin theta equal to mg। ये आपको समझ में आ रहा है मैंने क्यों लिखा है ऐसे? yes sir ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे मेरे को क्या करना है? वेलोसिटी की कौन सी वैल्यू चाहिए मुझे? मैक्सिमम मतलब कितना मैक्सिमम स्पीड से घूम सकता है, उसके बाद तो वो स्लीड होके वो चला जाएगा। अब तक कहाँ पे? इधर ही है, समझ में? क्योंकि फ्रिक्शन उसको मूव करने दे रहा है क्या? नहीं, फ्रिक्शन उसको मूव नहीं करने दे रहा, मतलब फ्रिक्शन उसको यहाँ पे रख रहा है। अभी मेरे को वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए, तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे? मैक्सिमम यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। कोई बोलो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती कितनी है? दोनों को डिवाइड कर दिया तो बताओ क्या आएगा? दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? देखो ना दोनों इक्वेशन नंबर वन, एन कॉमन निकालो, एन कॉमन निकालो और दोनों को डिवाइड करो, तो आंसर देखो यहाँ पे आना चाहिए। देखो साइन थीटा, जिनका मैथ्स वीक है उनको शायद समझ में नहीं आएगा, म्यू एस कॉस थीटा अपॉन अपॉन cos theta माइनस इनवर्स sin थीटा। आपको समझ में आ रहा है क्या? v स्क्वायर अपॉन rg स्क्वायर बाय rg v स्क्वायर अपॉन rg। अब v मैक्स की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ क्या? rg इनटू समथिंग, मतलब ये सब कुछ पूरा का पूरा टर्म। इसमें काम करो, ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे देखो डिवाइड बाय cos थीटा करो, मतलब इसको cos थीटा से डिवाइड करो और इसको भी cos थीटा से डिवाइड करो। कोई दिक्कत है क्या? देखो ना cos थीटा कैंसिल हो जाएगा ना? यस yes. तो क्या आएगा आंसर? tan थीटा प्लस म्यू एस 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। हाँ तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो मैं क्या लिख रहा हूँ, ऊपर एंड नीचे डिवाइड बाय cos थीटा, ठीक है? ये सेम ही चीज है, ये आपको एक्सप्रेशन आता है, ठीक है? अब यहाँ पे एक्सप्रेशन देखो क्या लिखता हूँ, cos थीटा को कॉमन निकालो, ऊपर से cos थीटा को कॉमन निकालो, ऊपर इधर से भी cos थीटा को कॉमन निकालो, तो cos थीटा क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। तो cos थीटा को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। देखो ये कभी कभी ना बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कभी कभी काम में आता है, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये थोड़े से एडवांस वाले केसेस हो गए, लेकिन ये केस क्या पता यार, ये बोर्ड में भी दिया हुआ है, ठीक है? लोग बोर्ड में रटते, समझते बिल्कुल नहीं, उनको पता भी नहीं है कि किसके लिए काम आता है क्या आता है, सीजर एरे की फॉर्मूला रट लेते हैं, ठीक है? अब केस थ्री देखो यहाँ पे गाइस, केस थ्री देख लो। केस थ्री में क्या होगा? अब ये स्पीड क्या था? ज्यादा था ना स्पीड, सपोज मैंने कम कर दिया तो मुझे तो कार कहाँ पे आने की कोशिश करेगी? नीचे आएगा, ठीक है? इफ वी इज लेस देन वी नॉट, तो कार कहाँ पे आने वाली है अभी? नीचे। कार कहाँ पे आएगी? देखो यहाँ पे मैं इधर लिखता हूँ, कार कहाँ पे आने की कोशिश करेगी? नीचे आने की कोशिश करेगी, तो मुझे ये जो फ्रिक्शन नीचे लग रहा था वो फ्रिक्शन अभी कहाँ पे लगेगा? ऊपर लगेगा, ठीक है? तो अब मैं फ्रिक्शन, देखो ये फ्रिक्शन को ये अलग, अभी ये तीसरा केस है, मैं अभी अलग से डायग्राम नहीं बनाऊंगा, इसी में डायग्राम बनाता हूँ। ये जो फ्रिक्शन आएगा वो कहाँ पे आएगा? ऊपर ऊपर आएगा। मुझे तो ये एंगल थीटा है, तो एंगल भी कितना होगा? थीटा।
उसमें मुझे तो फ्रिक्शन के कितने कंपोनेंट आएंगे, ये कंपोनेंट क्या आएगा, ऊपर एप्साइन थीटा। देखो यहाँ पे थोड़ा खिचड़ी हो गई है, लेकिन समझा करो, ये जो मैंने ये वाला जो फ्रिक्शन निकाला है वो कौन सा केस वाला है, थर्ड केस वाला है। तो अब मुझे बता इस केस में आंसर क्या होगा, n sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा, f cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। मुझे बता n sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे, f cos थीटा mv स्क्वायर बाय mv स्क्वायर अपॉन r। उसके बाद n cos थीटा प्लस sin sin थीटा इक्वल टू mv। राइट, बिल्कुल। तो n cos थीटा प्लस f sin थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg। मुझे क्वेश्चन को देख के बताओ सिर्फ यहाँ पे क्या चेंज हुआ है, प्लस के जगह यहाँ पे क्या हुआ है माइनस, और यहाँ पे माइनस के जगह क्या हुआ है प्लस। प्लस तो मेरा जो फॉर्मूला आएगा, आप मुझे एक बात बताओ इसको सब कुछ सॉल्व करके, अब मुझे होता है मैंने और स्पीड को कम करना चालू किया कर, तो जो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम। यस, यहाँ पे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वेलोसिटी क्या मेरे को निकालनी है, वेलोसिटी क्या निकालनी है मिनिमम, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, मैक्सिमम यस मिनिमम बोलो, वेलोसिटी मिनिमम तो फ्रिक्शन भी मिनिमम ऐसा नहीं है, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी मैक्सिमम, क्योंकि वो नीचे आ रहा है मतलब ऊपर लग रहा है, समझ में। मुझे बताओ इस केस में सी वे जो ये जो फार्मूला है ये फार्मूला क्या बन जाएगा वेलोसिटी मिनिमम, अंडर रूट आर जी टैन थीटा माइनस माइनस यू एस अपॉन 1 प्लस यू एस टैन थीटा। मैंने क्या बोला था, प्लस के जगह माइनस, माइनस में जगह पे प्लस, प्लस। तो यहाँ पे देखो टैन थीटा यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस यू एस प्लस, जिसको समझ में नहीं आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी एक बार देख सकते हो, क्योंकि सब अच्छे वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो ये आपको फटाफट लिखना है, मैंने आपको क्या बोला, तो मतलब मेरा कार का स्पीड, देखो कार स्टेबल चलनी है तो कार का स्पीड किसके अंदर होना चाहिए, ग्रेटर देन मिनिमम, लेस देन, वेलोसिटी मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए एंड वेलोसिटी मैक्सिमम से कम होना चाहिए। तो ये इन स्पीड के रेंज में कार क्या रहेगी, स्लाइड होगी क्या, नहीं नहीं। फ्रिक्शन क्या है, इस केस में फ्रिक्शन क्या है, मैक्स प्रेजेंट, यहाँ पे फ्रिक्शन इज प्रेजेंट, आपको समझ में आ रहा है, फ्रिक्शन इज देयर, फ्रिक्शन इज देयर, ठीक है। तो मैंने जो पिछले कल का क्लास किया लेक्चर में, मतलब सेकंड लेक्चर में किया था, एकदम सिंपल वाला केस किया था, ये वाला जो खास करके नीट में फटाफट आ जाता है, जेई मेन के लोअर लेवल पे आता है, लेकिन जैसे अपन थोड़ा सा अपर लेवल पे जाते हैं सारे केसेस भी आ जाते हैं, आ सकते हैं। और ये क्वेश्चंस है गाइस, मैं क्वेश्चंस को कंसेप्ट की तरह बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो फटाफट लिखोगे आप लोग, चलो देखो सर, हाँ बोलो सर, केस थ्री में फ्रिक्शन मिनिमम क्यों नहीं हुआ, नहीं केस थ्री में क्या होगा, वेलोसिटी कम होते गई तो क्या होगा, होना चालू होगा फ्रिक्शन का, मुझे तो वेलोसिटी कम होने चालू हो गई तो गार्ड का कार कहाँ पे जाना आनी चालू होगी, नीचे नीचे, तो नीचे आना चालू होगी तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा उस केस में, ऊपर ऊपर। तो जो और स्पीड कम होते गया तो कार नीचे आने की कोशिश और ज्यादा करेगी, लेकिन फ्रिक्शन तो बढ़ता जाएगा ना, हाँ तो अपोजिट राइट, जो अपोजिट में फ्रिक्शन तो बढ़ता जाएगा, इसलिए फ्रिक्शन की अभी मैक्सिमम वैल्यू लेनी होती है, समझ में। तो मैंने आपको क्या बताया, आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है यहाँ पे पूरे इसमें, लिखो फटाफट केस, यहाँ पे फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट तो ये हो गया, वेलोसिटी बढ़ गई, मुझे तो वेलोसिटी बढ़ गई, सेकंड केस में क्या, वेलोसिटी बढ़ गई तो कार कहाँ पे जाने की कोशिश की, ऊपर ऊपर। तो ये देखो ग्रीन में फ्रिक्शन कहाँ पे दिख रहा है आपको, ये फ्रिक्शन कहाँ पे दिख रहा है, नीचे, वेलोसिटी कम हो गई तो कार कहाँ पे जाने की कोशिश की, नीचे, तो फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, ऊपर, ठीक है। गाइज ये पूरा का पूरा जो चीज है ऐसा क्या ऐसा लिख दो, और नीट वालों के लिए कभी कभी ये पूरा रिजल्ट जो होता है ये भी कभी कभी काम में आता है, तो जस्ट एक बार पढ़ लो, मतलब कभी कभी क्या ऑप्शन में आएगा आपके दिमाग में रहेगा तो टिक कर सकते हो, सीधा लिख दो इसको, चलो। वेदिका, त्रिशा, श्रुति मस्ते, स्नेहा, भानुशाली, सब हैंड रेज करो। सार्थक नहीं, सार्थक तो तू है नहीं। मसीरा, मनन, मनन जोशी, देव त्रिवेदी, डैरन,
चित्रांग, आर्यन, आपको समझ में आ रहा है? वेदिका, तुझे समझ में आ रहा है? हाँ सर, थोड़ा 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 थोड़ा, ठीक है। स्नेहा? हाँ सर, समझ रहा है। देखो, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा देखो, ये थोड़ा सा अपर लेवल के कंसेप्ट में वापस बता रहा हूँ। नीट वालों के लिए जेई एडवांस की चीजें आज पढ़ाऊंगा मैं, तो नहीं समझ में आए तो भी चल जाएगा, लेकिन वीडियो वापस देख लेना। देखो, अपर लेवल का पढ़ोगे तो कभी भी सेहत के लिए अच्छा ही होता है, ठीक है? हाँ सर। सर हाँ बोल। सर ये वाली रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे आज ही डाल देना प्लीज। हाँ आज ही डालता हूँ। इसके बाद अपना नया चीज चालू हो जाएगा। हाँ, सो वी नॉट इज अ स्पीड। तो यहाँ पे देखो, मतलब मैं तो एक मैं समरी दूंगा इस पूरे क्वेश्चन का ना, मैं एक समरी दूंगा आपको, ठीक है? मैं समरी दूंगा गाइस, टेंशन मत लो। मैंने क्या किया वो मैं समरी दूंगा, पहले लिखो आप लोग, पहले लिखो। मुझे कंसेप्ट बताना है, वो कंसेप्ट मुझे पहले आपको बताने दो। एडवांस के क्वेश्चन तो होते रहेंगे, बहुत सारे रहते हैं।
गाइस हो गया क्या, लिख के हो गया क्या? यस सर। नो सर। देखो इसका रिकॉर्डिंग मिलने वाला है, जैसे ये जिसको समझ में नहीं आ रहा है आराम आराम से टाइम ले लेके रिकॉर्डिंग में देख लेना, ठीक है? एडवांस के हर सेशन ऐसे ही जाएंगे, बहुत अच्छे बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं गाइस, बहुत अलग लेवल के क्वेश्चंस भी होते हैं, इसमें और हालत खराब हो सकती है, ठीक है? लेकिन समझना है आपको, एक अच्छी चीज की रिकॉर्डिंग मिलती है, रिकॉर्डिंग आप वापस 10 बार देख सकते हो, एंड हैबिट भी अच्छी है। ये थोड़ा सा प्रॉपर प्रॉब्लम हो रहा है उधर पेंट में। चलो गाइस आगे बढ़ू मैं। सर एक मिनट होगा, एक मिनट। भाई मैं तुमको ज्यादा बर्डन नहीं देना चाहता, नहीं तो अभी ये इसमें ही थक जाओगे, फिर 2:30 बजे का लेक्चर आपका वापस, वो तो वैसे भी रिवीजन है, स्टिल रिवीजन आपको अच्छा लगना चाहिए, इसलिए मैं एकदम ज्यादा डेप्थ ज्यादा मत घुसो, बाद में रिकॉर्डिंग मिलने वाली है आपको, अभी पहले आप देख लो। ऑफ द कॉस्ट कॉमन रिकॉर्ड हो गया? यस सर। ठीक है अब यहाँ पे सब लोग देख लो, सब लोग देख लो मैंने क्या बोला यहाँ पे, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मैंने क्या बोला यहाँ पे अभी, पूरा का पूरा क्वेश्चन का वो क्या था, सपोज एक पार्टिकल है जो कि बैंकिंग मतलब एक बैंक रोड है, बैंक रोड पे घूम रहा है, ठीक है? मैं क्या बोला, मैं आपको एकदम सिंपल सा बात बताता हूँ, ये बैंक रोड पे घूम रहा है तो बेसिकली इसका जो सेंटर है वो सेंटर कहाँ पे होगा, इधर, ठीक है? सुनो कैसे याद रखना है, मतलब याद नहीं रखना है आपको, समझना कि मेथड क्या था, सेंटर यहाँ पे था तो आपने एक्सिस कहाँ पे बनाई, एक एक्सिस ये बनाई थी, दूसरी एक्सिस क्या बनाई थी, ये बनाई थी, यस सर, ठीक है? अब मुझे एक बात बताओ इस केस में, सब लोग ध्यान से सुनो जिनको समझ में नहीं आया है, मुझे बताओ इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ पे था, एक्सेलरेशन टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स सेंटर, सेंटर था वो वी स्क्वायर बाय आर था, कोई दिक्कत इधर तक समझ में आई? फिर इसके बाद एमजी नीचे था, नॉर्मल फोर्स ऊपर था, ठीक है? अब नॉर्मल फोर्स के साथ यहाँ पे एंगल थीटा था, तो अपने को ऑलरेडी पता था कि एन के दो कंपोनेंट होते थे, कितना कौन सा कंपोनेंट, एन कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी एंड एन साइन थीटा, एन कॉस थीटा इक्वल टू एम जी एंड एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर। ये किसके लिए था, व्हेन द फ्रिक्शन इज नॉट जीरो, और उसमें अपने को आया था, अपने को अपने अपने को वेलोसिटी की वैल्यू भी आई थी, रूट ऑफ क्या आई थी, आर जी क्या था, आर जी टेन थीटा, टेन थीटा, ये वाली वेलोसिटी आ चुकी थी। इसमें मैंने क्या किया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो n sin इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, और यहां पे क्या था, n cos थीटा शुड बी इक्वल टू क्या था, n cos इक्वल टू mg था, n sin इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r था, अपना आंसर आ चुका था, ठीक है? अब इसके बाद क्या किया, इस कार के अंदर मैंने फ्रिक्शन डाला, अब फ्रिक्शन डालेगा तो क्या होगा, कार कहां पे आने की कोशिश करेगी, मतलब ठीक है सुनो सुनो, अब वेलोसिटी मैंने यहां पे लिखा, वेलोसिटी इज इक्वल टू मेरा rg tan थीटा था, ये मेरी कौन सी वेलोसिटी थी, वी नॉट, की जरूरत नहीं है, फ्रिक्शन नीडेड इज कितना, जीरो इस केस में, राइट? मुझे तो वेलोसिटी बढ़ने की कोशिश की, तो रेडियस भी क्या होने की कोशिश की, इंक्रीज बढ़ेगा, तो रेडियस बढ़ेगा, इसका मतलब कार कहां पे आने की कोशिश करेगी, आउट ऑफ मतलब यहाँ पे ऐसे जाने की कोशिश करेगी कार, आगे फ्रिक्शन यहाँ पे कहां पे आएगा, फ्रिक्शन यहाँ पे कहां पे आएगा,
पीछे पैरेलल टू पैरेलल टू फ्रिक्शन आने वाला है. अब मुझे होता है ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा है तो फ्रिक्शन के ये कंपोनेंट कितना हुआ एफ कितना हुआ एफ कॉस थीटा एफ कॉस थीटा तो ये मेरा कंपोनेंट हुआ एफ कॉस थीटा ये मेरा फ्रिक्शन का कंपोनेंट कितना हुआ एफ एफ साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा. तो भाई तुमको पता है ना अभी तुमने डायरेक्ट फटाफट इक्वेशन लिख दिया भाई एन साइन थीटा प्लस क्या अब एन साइन थीटा भी फोर्स आया इज इक्वल टू क्या हो गया एम एम वी स्क्वायर बाय आर बराबर ना हाँ सर. और फिर यहाँ पे क्या हो गया एन कॉस थीटा माइनस क्या हुआ माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया एम जी. फिर यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम चाहिए तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ली मैंने और फ्रिक्शन वैल्यू लेने के बाद इसका आंसर क्या आया वी स्क्वायर बाय आर जी जो आया तो वी की वैल्यू क्या आई अंडर रूट ऑफ आर जी क्या आ गया सॉरी वी मैक्स की वैल्यू क्या आई अंडर रूट ऑफ आर जी टेन थीटा प्लस ठीक है मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी मैक्स की यहाँ पे क्या वैल्यू आई मैं यहाँ पे लिखता हूँ चाहिए तो अंडर रूट ऑफ क्या ऐसा कुछ टाइप का एक्सप्रेशन आया जिसमें मुझे सपोज वेलोसिटी मिनिमम चाहिए इफ आई नीड मिनिमम वेलोसिटी तो प्लस की जगह यहाँ पे क्या जाएगा माइनस माइनस क्या क्या प्लस तो मेरा कितना इन दोनों के वेलोसिटी इन दोनों के अंदर होनी चाहिए समझ में आ रहा है ठीक है. अब एग्जैक्टली सेम टू सेम क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन है होमवर्क ये होमवर्क क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्वेश्चन नंबर 18 सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन नंबर 18 देखो होमवर्क है ठीक है सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 18 है क्वेश्चन नंबर 18 को आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा कोई क्वेश्चन फर्क एकदम कुछ वो नहीं है सेम टू सेम क्वेश्चन है चाहिए तो पढ़ना है तो पढ़ लो एक बार. Turn off radius 20 meters is banked for a vehicle going at a speed of 36 km per hour. If the coefficient of the static friction between the road and tire is 0.4, what are the possible speeds of a vehicle so that it neither slips down nor skids up? समझ में है? इसने जो पढ़ा हुआ समझ में है तुमको? Yes sir. What the maximum possible speed? मतलब क्या मुझे पूछा है? V max and V min की value पूछी है. ये formula लगा दो ना? हाँ. ठीक है और पहले वाला दिया है टर्न ऑफ रेडियस 20 मीटर इज बैंक फॉर अ व्हीकल गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर तो मीटर पर सेकंड में करो पहले मेरे क्वेश्चन से टैन थीटा की वैल्यू मिलेगी टैन थीटा की वैल्यू कितनी मिलेगी वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आरजी और उसके बाद फिर फ्रिक्शन है सपोज पहले केस में लिखा है फ्रिक्शन नहीं है तो ये हो जाएगा फ्रिक्शन है तो ये वाला आ जाएगा फॉर्मूला ओके क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना है ये होमवर्क क्वेश्चन है ठीक है पेज नंबर 115 पे ठीक है ये थोड़ा सा एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन है वापस ठीक है. अब मैं इसका और एक केस बताता हूं आपको गाइस और एक केस जो भी एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन ही है ठीक है. एक काम करो ये केस होने के लिए आप लोग को सबके पास एचसी वर्मा है सबके पास पेज नंबर 110 खोलो पेज नंबर 110 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 11 पढ़ो जरा क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो जरा अब हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस खुद से पढ़ो अभी भाई भाई खुद से पढ़ो खुद से वर्टिकल अ स्मॉल ब्लॉक कैप्ड एक कैप इन द सर वो पिछला क्वेश्चन दिखाओ ना सर क्वेश्चन क्या वो क्वेश्चन नंबर 18 आपको करना होमवर्क के लिए क्वेश्चन है हाँ बोलो सर फोन वाले पीडीएफ में मतलब वो उसका क्वेश्चन का पेज नंबर क्या है 126 है पेज नंबर 126 ओके थैंक यू फोन वाले पेज हाँ वो बता मैं पेज भी लिखा रहेगा यार पीडीएफ में पेजेस भी तो लिखे हैं एचसी वर्मा के हाँ सर है वहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ठीक है करो क्वेश्चन नंबर 11
एक मिनट, एक बात बताओ मुझे, सब लोग यहाँ पे देखो, सब लोग यहाँ पे पहले देखो गाइज, आपको पता है आपने बचपन में ये चीज किया है क्या? आपकी एक ऐसी वाटी होती है, वाटी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बॉल बोलते हैं, तो हेमिस्फेरिकल बॉल, मतलब हेमिस्फेरिकल बॉल मतलब घर की जो अपनी वाटी होती है, ये वाटी ऐसी होती है ना? हाँ सर। ठीक है, तो जो जो हेमिस्फेरिकल बॉल है, इस बॉल को ऐसे पकड़ लो और ना उसके कोई भी जगह पे, मतलब जैसे कि मैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रखा, तो ब्लॉक ये स्मूथ होगा सपोज, तो ये ब्लॉक कहाँ, ये कहाँ पे आएगा, ब्लॉक कहाँ पे आएगा, सीधा नीचे ऐसे घिसक के आएगा, स्मूथ है। लेकिन कभी कभी आपने देखा है, कभी कभी ना ब्लॉक को उधर रखने के लिए आप जोरदार घुमाते हो ऐसे, कभी इमेजिन किया है क्या? जोरदार घुमाने की वजह से वो कहाँ पे रहता है? उधर ही रहता है। ये कभी आपने ऐसा कभी एक्सपेरिमेंट किया है? जोरदार कोई भी चीज को घुमाओ उधर ही रहता है, वो नीचे नहीं आता। तो यही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे सब लोग सुनो, गाइस यहाँ पे सब लोग सुनो, ये मास एम है, ठीक है? तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, मुझे एक बात बताओ पहले, इस केस में नॉर्मल फोर्स की वैल्यू कहाँ पे रहेगी? नॉर्मल फोर्स कहाँ पे रहेगा? देखो ये ओरिजिन, मुझे एक एक घूमेगा, सपोज मैंने इस वाटी को घुमाया, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, ये है, इस वाटी को ऐसे एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से जोरदार घुमाया ऐसे, मतलब समझ रहे हो आप, साइड व्यू देख रहे हो इसका, ऐसा ऐसा घूमना चालू हो गया, तो मुझे होता है मास एम जो घूम रहा है उसका सेंटर कहाँ पे होगा? लेफ्ट साइड ऐसे घूमेगा ना, आपको समझ में आ रहा है? तो उसका सेंटर तो इधर होगा ना, ये सेंटर होगा ना, नहीं समझ में आ रहा है मैं क्या लिख रहा हूँ? समझा सर, समझा। तो मुझे होता है एक्सेलरेशन कहाँ पे होता है, टुवर्ड्स कहाँ पे होता है? सेंटर, सेंटर। और यहाँ पे ओमेगा दिया है, तो अपन लिखते हैं ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या लिखते हैं? आर। लेट्स से ये रेडियस, ये जो है आर है, कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो मेरी एक्सिस तो ये हो गई, मैंने एक्सिस बना देता हूँ, मेरी एक एक्सिस तो भाई ये हो गई, मेरी दूसरी एक्सिस तो कौन सी हो गई, ये हो गई, ये हो गई मेरी एक्स एक्सिस, ये हो गई मेरी वाई एक्सिस, ठीक है? अब तक कोई दिक्कत नहीं है ना आपको? अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ग्रेविटी बना देता हूँ mg, नॉर्मल फोर्स कहाँ पे होगा, टूवर्ड्स कहाँ पे होगा? लेफ्ट में, ऐसे विद ओरिजिन ना, मतलब क्योंकि ये हेमिस्फीयर है ना, स्फेरिकल है, तो नॉर्मल हमेशा कहाँ से जाएगा, वो हेमिस्फीयर के सेंटर से, समझा ना? अरे भाई नॉर्मल फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन रहेगा, वो ओरिजिन यहाँ से जाएगा, कोई दिक्कत है इसमें बताओ? इधर तक समझ में आया? यस सर। सब ऐसा पकड़ लो कि ये एंगल थीटा दिया है, तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा, 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 ये दिया हुआ है। कंपोनेंट्स मुझे तो, एन के कितने कंपोनेंट्स आएंगे? दो, एन कॉस थीटा और एन साइन थीटा लेफ्ट में, एन कॉस थीटा और यहाँ पे हो जाएगा एन साइन थीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे एन साइन थीटा की वैल्यू किसके बराबर आएगी? किसके बराबर आएगी? mg, mg। यहाँ पे क्या आएगा, टेन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी, ओमेगा स्क्वायर आर बाय जी। तो किसी ने पूछा है कि भाई सर ओमेगा की वैल्यू कितनी होगी कि वो वहां पे ही रहे, तो कितनी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे? फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, वही तो मेरा आंसर है जो ये क्वेश्चन में जो दे रहा हूँ, आर बाय थीटा, जी बाय आर टेन थीटा, डिवाइड बाय आर का अंडर रूट। समझ में आ रहा है? यस सर। इतनी मेरी वेलोसिटी हो जाएगी, वो कार का वो कहाँ पे रहेगी, ये जो सॉरी ये ब्लॉक कहाँ पे रहेगा? उधर ही रहेगा। अब आपको पता है इसको हम लोग बोलते हैं केस वन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? केस वन। तो क्वेश्चन नंबर 11 था अपना सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 11 यही मेरा आंसर है, बस वहां पे आंसर जो दिखा है वो थोड़ा सा अलग फॉर्म में क्यों दिखा है पता है? क्योंकि वहां पे रेडियस ऑफ स्फीयर दिया है, मतलब वहां पे ना ये रेडियस दिया है, देखो आप ये वाला पार्ट था ना, ये दिया है और ये एंगल थीटा है, तो आपको पता ना ये मतलब वो ले लो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, आर क्या, साइन थीटा आर। तो इस तरीके से वो करना है वो, लेकिन छोड़ दो अपन, अपन स्मॉल आर के फॉर्म में लिखते हैं, अपने कैपिटल आर के फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं। अब तक मुझे बताओ ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बताया उसमें कोई दिक्कत है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर, सेम है। अब मुझे एक बात बताओ, केस टू एंड केस थ्री में क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाता है। अब एक काम करो, एच सी वर्मा क्वेश्चन नंबर 24 देखो, 115 पेज 115 पे,
पेज 115 पे क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एडवांस का क्वेश्चन है, वापस एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो गाइस, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, पेज नंबर 115 जो ये क्वेश्चन है जी, एडवांस के क्वेश्चन है ये, नीट वालों के लिए सब नहीं आते लेकिन ठीक है यार, मतलब पढ़ लो। इसके बाद मुझे लास्ट का भी कंसेप्ट बताना है, मतलब काफी क्वेश्चंस वगैरह हो गए, अब इसके बाद मैं कंसेप्ट बताऊंगा, वो कंसेप्ट सबके लिए, जे एडवांस हो जे मेन हो सबके लिए कंसेप्ट है वो। सर हमें क्वेश्चन 11 को नोट डाउन करना है? नहीं नोट डाउन नहीं करना है, पहला पढ़ा क्वेश्चन तुमने क्या है? हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ा, क्या क्या था मुझे बताओ, यही सेम क्वेश्चन है? हाँ नहीं नहीं, हाँ रेडियस एंगल पे, मतलब वही है, सेम चीज है, थीटा सेम है, बस यहाँ पे क्या डाल दिया, फ्रिक्शन। गाइज अब यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 11 था, जहाँ पे ये ओमेगा नॉट था, राइट, मुझे बताओ एक एक थोड़ा सा बाय लॉजिक, मैंने सब इसका स्पीड कम कर दिया, एंगुलर स्पीड, देखो यहाँ पे मैं केस टू लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, केस टू, इफ माय एंगुलर स्पीड इज लेस देन एंगुलर वेलोसिटी स्पीड एम नॉट, तो ये कहां पे आने की कोशिश करेगा, ब्लॉक कहां पे आने की कोशिश करेगा, नीचे नीचे, तो उसके से फ्रिक्शन कहां पे लगेगा, आगे ऊपर ऊपर, सपोज वेलोसिटी बढ़ाने की कोशिश की तो क्या होगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, हाँ ओमेगा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, तो कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, ऊपर जाने की कोशिश करेगा, फ्रिक्शन नीचे नीचे नीचे। तो सेम क्वेश्चन था जो अपना पिछले वाला अपन ने किया था, इसके पिछले का को समझ में ना, सेम लॉजिक मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, चलो इफ इफ ओमेगा इज लेस देन ओमेगा नॉट तो फ्रिक्शन कहाँ पे आने, ये ब्लॉक कहाँ पे आने की कोशिश करेगा, नीचे, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कहाँ पे आएगा, ऊपर, अब फ्रिक्शन ऊपर आएगा, थोड़ा सा एंगल आपको लिखना पड़ेगा प्रॉपर, ये एंगल थीटा है, तो ये वाले कौन से कंपोनेंट आएंगे, m के f क्या हो जाएगा, cos थीटा, cos थीटा, यहां पे क्या हो जाएगा f sin थीटा, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे जो इक्वेशंस आएंगे, इक्वेशन कौन से आएंगे, इंस्टेड ऑफ दिस जो इक्वेशन आएंगे वो आएंगे n sin थीटा माइनस क्या f cos थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इनटू r, बराबर, देखो ना यहां पे r का n sin थीटा माइनस f cos थीटा, राइट, पर आर का भी यार कंपोनेंट लेना चाहिए ना, अरे मैं स्मॉल आर ये ले रहा हूँ ना यार, ओके ओके, मैं इसमें आर क्या ले रहा हूँ, ये जो ये आर है वो कौन सा आर ले रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब स्मॉल आर सेंटर, ये वाला आर ले रहा हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस सर, मैं रेडियस ऑफ स्फीयर नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, मुझे बताओ उसके बाद सेकंड क्या आएगा, एन कॉस थीटा प्लस क्या हो जाएगा, कम कर दिया तो ओमेगा मिनिमम है ना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे, मुझे ओमेगा मिनिमम चाहिए तो फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे, और मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन, यहाँ पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू इंटू एन, तो मुझे बताओ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एन एन कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे सेम चीज, और cos थीटा को कॉमन निकाला मैंने, तो tan थीटा माइनस क्या हो जाएगा, म्यू एस डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन माइनस म्यू tan थीटा प्लस वन प्लस म्यू एस tan थीटा, tan थीटा ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा, मतलब ये आपको तो g डिवाइड बाय r कर लो, ये चीज आ जाएगी मेरी ओमेगा, आपको समझ में आ रहा है, यस सर, ये हो जाएगा मेरा ओमेगा मिनिमम, किसी ने चाहिए तो ओमेगा मैक्सिमम पूछा है, तो यहाँ पे प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा, ये माइनस के जगह क्या आएगा, यहाँ पे प्लस एंड प्लस क्या आएगा, माइनस, सेम टू सेम चीज बनी,
सर अगर उसको वो हेमिस्फेरिकल रेडियस के टर्म्स में लिखना है तो वो छोटे आर को कैपिटल आर कॉस थीटा लिख सकते हैं। और हेमिस्फेरिकल इसमें किया तो आर को ये जो आर होता है छोटा आर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वो आर साइन थीटा होगा राइट। हाँ राइट बस इतना समझ जाओ कि ये सब एडवांस की क्वेश्चन है मैं कैसे करना है वो बता रहा हूँ ठीक है ये आपको बाद में कर देना है मतलब कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना आपको क्या करना है और जो लोग एडवांस वाले वही लोग मतलब वही लोग के लिए इम्पोर्टेंट है स्टिल लेकिन बाकी लोग भी देख लो ठीक है बाकी लोग भी देख लो देखने में क्या हर्ज है ठीक है। तो इस पूरे ट्रायंगल में देखो ना यार ये ऐसा ट्रायंगल बनाता हूं मैं तो ये मेरी रेडियस थी और ये मेरा एंगल थीटा था और जो मैं आर ले रहा था वो ये आर था तो मुझे होता है इस केस में व्हाट इज आर स्मॉल आर आर साइन थीटा आर साइन थीटा समझ में आ रहा है ना ट्रायंगल याद करो ना यार एंगल के सामने वाला आर साइन थीटा एंगल के बाजू वाला आर कॉस थीटा यस स्केलर वेक्टर में बहुत पहले बताया था मैंने तो चाहिए तो ये स्मॉल आर को आर साइन थीटा इसमें डालना पड़ेगा आपको ठीक है तो इन टर्म्स ऑफ आपको क्या चाहिए आंसर कैपिटल आर के ठीक है तो एक काम करो इसको चाहिए तो इसका ना एक स्क्रीनशॉट ले लो अभी लिखो मत इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आपको क्या करना है बताना होमवर्क में सॉल्व करना है होमवर्क में कौन से क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको होमवर्क में 11 एंड 24 हाँ क्वेश्चन नंबर 11 वो कौन से पेज पे 110 पेज 110 क्वेश्चन नंबर 24 एक्सियोमा का पेज बोल रहा हूँ मैं वो कौन से पेज पे 115 ये दोनों आपके होमवर्क क्वेश्चंस है इसका सोल्यूशन मैंने इस वीडियो रिकॉर्डिंग में दिया हुआ है मतलब वीडियो का रिकॉर्डिंग आप देख सकते हो तो आपको सोल्यूशन थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा ठीक है लेकिन ये करना खुद को है ठीक है। अब मैं कंसेप्ट पहले बताता हूँ सबके लिए कंसेप्ट बता देता हूँ मैं उसके बाद एक एडवांस का बहुत ही अच्छे वाले दो सम्स है वो कराऊंगा मैं वो भी वापस सबके लिए ऑप्शन रहेंगे लेकिन ये कंसेप्ट सबके लिए रहेगा पहले इतना लिखो इतना ये कर लो स्क्रीनशॉट ले लिया क्या ऐसा ले लिया नए पेज पे जाता हूँ न्यू पेज पे जाता हूँ देखो ये चला जाएगा वापस बोल रहा हूं मैं एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो ठीक है मैं नए पेज पे जा रहा हूं हाँ अब गाइज यहां पे देख लो सब लोग यहां पे देख लो अब एक कंसेप्ट होता है मैं ये कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं यहां पे सब लोग देख लो ये कंसेप्ट है ये सबके लिए ठीक है अब के जो क्वेश्चंस थे वो तो सब मैं हाई फाई अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहा था लेकिन ये कंसेप्ट अभी सबके लिए है मास एम है ठीक है एक आदमी है जो सर्कल में दौड़ रहा है तो पहले मुझे होता है इसका सेंटर कहां पे होगा इधर होगा बराबर दौड़ रहा है तो मुझे होता है इस बॉडी का एक्सेलरेशन कहां पे होगा टुवर्ड सेंटर होगा और ये दौड़ रहा है ये मतलब जॉगिंग कर रहा है सर्कल में तो फिर मैंने इसको जो फोर्स देगा वो कौन देगा फ्रिक्शन देगा यस सर ओके अब मुझे होता है ये सब जो एफबीडी बना रहे कौन बना रहे एक बंदा जो ग्राउंड पे बैठा हुआ है यस yes. ये जो बंदा जो अपन ने अब तक जो भी क्वेश्चन किए सारा ये सब बंदा कहां पे बैठा था नॉन इनर्शियल कौन सा ग्राउंड फ्रेम बोलते उसको इनर्शियल फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से वो एफबीडी बना रहा था अब ऐसा पकड़ लो ये आदमी है और आदमी के ऊपर यहाँ पे ये एक चिड़िया बैठी हुई देखो और इस चिड़िया के हाथ में क्या है नोटबुक और वो क्या बना रही है एफबीडी अब प्रॉब्लम देखो क्या हुआ ये आदमी घूम रहा है तो उसके साथ चिड़िया भी घूम रही है क्योंकि उसके ऊपर ही बैठी है हाँ सर समझ में आ रहा है तो अब मुझे बताओ इस चिड़िया के हिसाब से आदमी का एक्सेलरेशन कितना रहेगा जीरो तो भाई चिड़िया तो अपने एफबीडी में इसका एक्सेलरेशन कितना लिखने वाली है जीरो लिखने वाली है ठीक है लेकिन अपन एक काम कर चलो इसका एफबीडी बना देते हैं मुझे तो पहले तो चिड़िया का एक्सेलरेशन कितना होगा जो चिड़िया है देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ चिड़िया का एक्सेलरेशन किधर होगा आगे टुवर्ड सेंटर ना घूम रही है ना तो चिड़िया का एक्सेलरेशन कितना है
और कितना वैल्यू के एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है v² / r है. आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes, चिड़िया घूम रही है. अब मुझे बताओ चिड़िया एफबीडी बना रहे तो ऑब्जर्वर कौन है? चिड़िया. तो ये चिड़िया का चिड़िया ऑब्जर्वर है और जिसका एक्सेलरेशन कहाँ पे टुवर्ड सेंटर. तो कौन सा केस होगा ये चिड़िया फिर क्या होगी? नॉन इनर्शियल फ्रेम. नॉन इनर्शियल फ्रेम होगी ना चिड़िया. क्या हो गई? नॉन इनर्शियल फ्रेम. अब मैं एक बात बताऊं, इसका एफबीडी चिड़िया ने इसका एफबीडी बनाना चालू किया. एफबीडी बनाना चालू किया तो कुछ कुछ फोर्सेस तो आएंगे. जैसे यहाँ पे ग्रेविटी एमजी तो ऐसे ही रहेगा. इसके ऊपर इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल फोर्स भी ऐसे ही रहेगा. ठीक है. फ्रिक्शन कहाँ पे रहेगा? फ्रिक्शन बताओ मुझे टूवर्ड्स सेंटर. तो चिड़िया ने एन एमजी फ्रिक्शन तो डाल दिया. अब यहाँ पे देखो चिड़िया को क्या करना पड़ा. चिड़िया का एक्सेलरेशन है कितना? v² / r इधर. तो आप मुझे बताओ चिड़िया को और एक फोर्स यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा. कौन सा फोर्स? स्यूडो फोर्स. तो यहाँ पे एक स्यूडो फोर्स चिड़िया को क्या करना पड़ा? ऐड करना पड़ा. अब मुझे तो जो स्यूडो फोर्स को करने के लिए पहले एक्सेलरेशन को मैं क्या करता हूँ? हमेशा क्या करता हूँ? उल्टा. तो मैंने एक्सेलरेशन को पहले उल्टा कर दिया. यहाँ पे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी दी मैंने? यहाँ पे v² / r. फिर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? मैन के मास से. हाँ, इस मास से मल्टीप्लाई किया. तो कितना फोर्स आया यहाँ पे? m into a मतलब क्या? m into v² / r. तो ये मेरा फोर्स कहाँ पे लगा मुझे बताओ? ये फोर्स कहाँ पे लगा? पीछे. लेकिन ये कौन सा फोर्स था? ये फोर्स कौन सा है? स्यूडो फोर्स. अब मुझे बताओ इसका एक्सेलरेशन है कितना? चिड़िया का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो. चिड़िया का नहीं, सॉरी, इस आदमी का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो. क्योंकि एफबीडी कौन बना रहा है? चिड़िया. तो मुझे होता है एक्सेलरेशन जीरो है, तो एन इज इक्वल टू क्या लिख देगा वो? एन इज इक्वल टू क्या लिख देगा? एन इज इक्वल टू एमजी एंड एफ इज इक्वल टू और एफ की वैल्यू क्या लिख देगा? m². आपको पता है ये जो स्यूडो फोर्स यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इसी स्यूडो फोर्स को गेस मारो क्या बोलते होंगे? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. देखो अभी भी ध्यान में रखना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कोई फोर्स होता है क्या? अभी बताओ मुझे. नो. नहीं. कहाँ पे आता है? जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम में बात करते हैं, मतलब एक स्यूडो फोर्स है जो कि फॉल्स फोर्स है, कुछ है ही नहीं, वो फोर्स नहीं है. फोर्स तो हमेशा नॉर्मल ग्रेविटी फ्रिक्शन टेंशन स्प्रिंग यही रहेंगे. समझा? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस? यस सर. तो ये चीज दिमाग में एकदम बिल्कुल से डाल देनी है. तो लिख दो यहाँ पे हेडिंग डाल दो कंसेप्ट का, स्यूडो फोर्स, और उसके ब्रैकेट में लिखो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड ध्यान में रखना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ फॉल्स फोर्स, इट इज नॉट अ फोर्स, इट इज जस्ट अ मैथमेटिकल करेक्शन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम. वरुण, हम लोग इसको जल्दी खत्म कर लेंगे आज. गाइज, हम लोग ना आज क्या ब्रेक भी कुछ देंगे नहीं, जल्दी खत्म कर देंगे क्योंकि आपको सेकंड लेक्चर भी अटेंड करना है. राइट? ओके सर.
तो अपन कोई ब्रेक भी नहीं देंगे, कंटिन्यू में रखेंगे, फटाफट कर लो। और वैसे भी सब एडवांस वाले कंसेप्ट है, एडवांस वाला कंसेप्ट ना 2 घंटा भी पढ़ा ना तो भी सर के ऊपर जाता है। एडवांस प्लस में तो और ऊपर लेवल का कराऊंगा मैं गाइस, ध्यान में रखना। एडवांस प्लस वाली जो शाम की बैच होगी जो मैं चालू कर रहा हूँ अगले वीक से, नेक्स्ट वीक से वो स्टार्ट हो रही है गाइस, ठीक है? ओके सर। उसमें आपकी और हालत खराब होगी, मतलब वो लोग सिर्फ एडवांस वाले जो लोग है वही बैठो उस बैच में। हो गया गाइस हो गया लिख के आपका है, आगे बढ़ू? हाँ सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे सब लोग सुनो, यहाँ पे सब लोग सुनो, तुम लोग को मुझे बताओ जितने भी अपन ने क्वेश्चंस किए सारे क्वेश्चंस, जैसे मुझे तो बैंकिंग ऑफ रोड का नॉर्मल वाला वर्जन देखते, बैंकिंग ऑफ रोड का नॉर्मल वाला वर्जन जिसमें मुझे बताओ कार कैसे घूम रही थी, ये कार थी ना ऐसे, एंगल क्या था यहाँ पे थीटा, ठीक है? अब मुझे तो ये सपोज कार ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है, मतलब ऐसे इमेजिन करो ये कार घूम रही है ऐसे, तो मुझे तो इसका एक्स, मतलब अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे जो अपन एफबीडी बना रहे थे कहाँ से बना रहे थे? एक्सिस से, इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम से, ग्राउंड फ्रेम से। अब ऐसा पकड़ लो एक आदमी कार के अंदर बैठा है, ठीक है, मतलब ऐसे चलो कार के ऊपर बैठा है ऐसे,
ठीक है, कार के ऊपर बैठा है और एफबीडी बना रहा है, तो अब क्या करेगा बताओ, एफबीडी कैसे बनाएगा? सर उसके रिस्पेक्ट में कार का एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वो खुद ए हाँ, मतलब बी स्क्वायर बाय आर से अंदर रिस्पेक्ट में इसका कार का एक्सेलरेशन कितना है? जीरो जीरो जीरो। लेकिन ये कार के साथ घूम रहा है तो बेसिकली इसका सेंटर मानेंगे तो इसका जो एक्सेलरेशन है वो कहां पे टुवर्ड सेंटर है, व्हिच इज वी स्क्वायर बाय कितना है? वी स्क्वायर बाय आर। ये किसका, एक किसका एक्सेलरेशन है? मैन मैन का। तो वो इसका एफबीडी बना रहा है, तो बेसिकली इसको एक सुडो फोर्स जाना पड़ेगा, कौन सा? उल्टा करेंगे और फिर इस मास के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, याद है ना, एमए फोर्स, सुडो फोर्स। यस सर। यहाँ पे एम वी स्क्वायर बाहर एक फोर्स आ जाएगा, फिर आप यहाँ पे मतलब बाकी तो फोर्स रहेगा ही रहेगा भाई, बाकी सारे फोर्सेस तो एम जी ऐसा का ऐसा आएगा, इधर नॉर्मल फोर्स भी ऐसा का ऐसा आएगा, एंगल यहाँ पे थीटा आएगा, तो ये चीज आ जाएगा एम कॉस थीटा, एन साइन थीटा, एन साइन थीटा। अब यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया? देखो ना सेम इक्वेशन भाई, सेम ही आने वाले है ना यार। यस सर। इक्वेशन तो सेम इक्वेशन आए, बस दोनों को डिवाइड करो, तुम्हारा आंसर आ गया, समझ में आया? यस। बस यहाँ पे ये कौन सा एफबीडी, एफबीडी किसने बनाया इस केस में, एफबीडी किसने बनाया? आदमी ने। आल्सो मूविंग विद कितना एक्सेलरेशन, मतलब मैन आल्सो मूविंग आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. चलो अब एक काम करते हैं, ये तो मतलब ये कंसेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ठीक है गाइस? तो एक बात बताओ, मैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम में, बस यही चीज नीट में पूछी जाती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ पे रहेगा नॉन इनर्शियल फ्रेम वगैरह में। अब ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जो क्वेश्चंस होते हैं गाइस, उसका जो एप्लीकेशन होता है वो आता है एडवांस में, ठीक है? अब एक काम करो, एचसी वर्मा में सबसे लास्ट का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो, एचसी वर्मा क्वेश्चन नंबर 30 सब लोग पढ़ो, एडवांस का क्वेश्चन है, अपन इसे सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 एक्सरसाइज का, खोलो जरा इसको। आप लोग पढ़ो पहले, इस क्वेश्चन को पढ़ो पहले।
गाइस पढ़ा क्या क्वेश्चन? आधे रुको तो बाउंस गया होगा। यस सर। क्या क्वेश्चन क्या है? देखो यहाँ पे मैं क्वेश्चन आपको, पहले क्वेश्चन सुनो सब लोग क्या है, ठीक है? क्वेश्चन सब लोग सुनो। इसका मास दिया लेट्स से m, सुनो यहाँ पे इसका मास दिया m, और तो इसका मास कितना है? 2m। सुनो आपको पता है क्या किया है कि कौन सा व्यू है? पहले व्यू कौन सा है? ये टॉप व्यू है, एक टेबल है, आप सो टेबल को ऊपर से देख रहे हो, एक टेबल है। देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सुनो यहाँ पे ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ऐसा है, ध्यान में रखना। कभी भी ना एचआरमा का लास्ट का क्वेश्चन हमेशा एडवांस रहता है, और प्रॉपर वाला एडवांस। ये मास m है, ये मास 2m है, ये वाला ब्लॉक अलग है, राइट ना? इसमें क्या करोगे मुझे बताओ? ऐसा सपोज कुछ होगा तो इसके ऊपर फोर्स किधर लगेगा? 2mg नीचे, टेंशन t ऊपर, बराबर ना? टेंशन t ऊपर, mg नीचे, ब्लॉक नीचे जाएगा, ब्लॉक ऊपर आएगा, काम खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? नो सर। नो सर। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया अपना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में। ये क्वेश्चन वैसा नहीं है गाइस। इस क्वेश्चन में क्या किया है, टेबल के ऊपर एक पुली है, और ये जो पुली है ना, देखो टेबल पे फिक्स की है, मतलब इसका मतलब, और ओपन ऊपर से देख रहे हैं, सो दिस माय टॉप व्यू। तो इसका मतलब मुझे बताओ यहाँ पे ग्रेविटी कहाँ पे रहेगी, एमजी कहाँ पे रहेगा? इनसाइड द पेज, इनसाइड द पेज, टेबल के अंदर है। और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे, पेज के कहाँ पे? आउटसाइड द पेज, आउट द पेज, ठीक है। अब हुआ क्या पता है, थोड़ा सा आप इमेजिन करोगे, ऐसा पुली सपोज लगा है 2m एंड m का, और ये टेबल जो है ना, ये टेबल, अब उसको क्या किया पता है? ये जो अपना टेबल जहां पे आप बैठे सपोज, और टेबल को ही एक ऐसा रॉड लिया, देखो ऐसा मैंने जो रेडियस r का, ये लाइट रॉड है, लाइट रॉड है, मतलब इसका कोई भी वेट नहीं है, एकदम लाइट रॉड है। इस लाइट रॉड को जोड़ दिया, ये सेंटर है, और जोरदार टेबल को ही घुमाना चालू किया। टेबल है ना, पूरा का पूरा टेबल ही ऐसा घूम रहा है, घूम रहा है, ठीक है। तो बोला है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा या एक्सेलेरेशन कितना होगा, एक्सेलेरेशन बोला है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में है कैसा है? यस सर। हां सर। पूरा मतलब है भाई पूरा। अब इसमें एक कंडीशन दी है कि रेडियस इज वेरी वेरी लार्ज, रेडियस बहुत ही बड़ा है, इसका मतलब ये जो चीज है ना, ये पूरा का पूरा, मतलब ध्यान में रखना ये कुछ मैटर ही नहीं करेगा, लेंथ वगैरह। अब एक काम करो, अब आपको पता है कोई इसको ग्राउंड फ्रेम से देखने जाएगा ना, तो कितना कॉम्प्लिकेट मोशन होगा बताओ मुझे? यस सर, बहुत बहुत, क्योंकि ये ऐसा, ये टेबल ऐसा घूम रहा है, ऊपर से मासेज भी ऊपर नीचे जा रहे हैं, मतलब मास कुछ अलग ही मूव कर रहा है, देखो ना कुछ अलग ही मूव कर रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम से क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट होता है, इसीलिए सबसे इजी क्या होगा, इसके ऊपर एक आदमी बैठा है, ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर कहाँ पे? टेबल ऊपर है। अब वो ऑब्जर्वर मुझे बताओ जो घूम रहा है, अब ऑब्जर्वर का डिस्टेंस कुछ मैटर करेगा बताओ मुझे? नो सर। नो सर। क्योंकि आर क्या है, आर क्या है? बहुत बड़ा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा, तो और बहुत बड़ा है, ग्रेटर, मतलब तो ये ऑब्जर्वर इधर बैठ, इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, इधर बैठेगा, कुछ फर्क पड़ेगा? नो सर। नहीं, तो ऑब्जर्वर कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो ऑब्जर्वर बहुत। अब मुझे एक बात बताओ यार, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन कहाँ पे होगा? टुवर्ड सेंटर। सेंटर कितना होगा वो? ओमेगा स्क्वायर आर इनटू आर, लेकिन आर प्लस एक्स होगा, लेकिन एक्स क्या बहुत ही छोटा है ना, बहुत स्मॉल। तो अपन क्या लिखेंगे, ओमेगा स्क्वायर इनटू क्या लिखेंगे? आर। तुमको ये समझ में है मैंने क्या लिखा? यस सर। एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर है, ओमेगा स्क्वायर आर है। तो अब मुझे बताओ इस एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा? सूडो फोर्स। सूडो फोर्स। तो मुझे बताओ इसके अंदर जो सूडो फोर्स आएगा वो इधर सूडो फोर्स कितना आएगा? m omega square r, omega square into r, और यहाँ पे कितना मास है? 2m omega square r, 2m omega square r। अब मुझे बताओ ये वाला फोर्स बड़ा है कि नहीं, सूडो फोर्स? यस सर। यस सर। छोटा है सूडो फोर्स, तो बेसिकली मुझे बताओ ये 2m मास कहाँ पे आने की कोशिश करेगा? नीचे, टुवर्ड्स राइट, टुवर्ड्स ऐसे, और ये कहाँ पे आने की कोशिश करेगा? टुवर्ड्स ऐसे, ठीक है। अब इसके ऊपर मैं टेंशन लिख देता हूँ, यहाँ पे टेंशन क्या होगा? टी। इसका FBD का इक्वेशन क्या आएगा? 2m omega square r minus t equal to m square r minus t is equal to क्या? 2ma। इसका इक्वेशन क्या आएगा? t minus m omega square r equal to ma। ma। तो अब यहाँ पे दोनों को मैं ये कर दूंगा, तो tt कैंसिल हो गया, तो m omega square की r की वैल्यू कितनी आई? 3ma। 3ma। तो a की वैल्यू कितनी आई?
ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन 3 बस ये मेरा आंसर है. देखो एडवांस का क्वेश्चन हो गया अपना. हां सर लेकिन सूडो फोर्स से कितना इजीली हो गया. यस सर यस सर जो एडवांस पढ़ रहे उनके लिए था ये. ऐसा कोई क्वेश्चन आता नहीं है मतलब ये नीट बीट में तो भूल ही जाओ ठीक है. लेकिन क्वेश्चन इजी हो गया जब मैं किसको किससे किया कौन से फ्रेम से सूडो फोर्स ऑन इनर्शिया. ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 30 लिख दो. राइट सो हम टेंशन भी निकाल दो मतलब इसमें अंदर डाल दो और टेंशन की वैल्यू भी निकाल दो. लेकिन एटलीस्ट समझ में आ रहा है क्वेश्चन है. समझ में आ रहा है. यस सर. यस सर. ठीक है तो जो लोग यहाँ पे एडवांस वाले लोग हैं एडवांस वाले क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30 भी करके रखोगे आप लोग. ठीक है होमवर्क क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर कौन सा 29 एंड 30 और एक क्वेश्चन में दे रहा हूं होमवर्क में जो प्योर एडवांस में. ठीक है और ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया हुआ है मेरे बैच वन के लेक्चर में. बैच वन में सर्कुलर मोशन का थर्ड लेक्चर है ना उसमें क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया है. क्वेश्चन नंबर 13 कौन सा क्वेश्चन नंबर 13 पेज नंबर कौन सा 111 ये मैं इसको ट्रिपल स्टार मार्क करके रखता हूं डबल स्टार मार्क. ये प्रॉपर जेई एडवांस का क्वेश्चन है वापस जेई एडवांस का डिफिकल्ट लेवल और अच्छा वाला लेवल. ठीक है पेज नंबर 13 क्वेश्चन नंबर कौन सा पेज नंबर 111 क्वेश्चन नंबर 13. ठीक है दिमाग लगाने की कोशिश करो और बताओ कि यहाँ पे क्वेश्चन में मतलब इसका आंसर कैसे निकाल पाओगे तुम. मेंस वालों को भी करना है मेंस वालों भी करेंगे ट्राई तो मारेंगे गाइस. टाइम मानने के लिए क्या हर्ज है भाई. इवन क्वेश्चन नंबर 29-30 भी अच्छे क्वेश्चन है. ठीक है मतलब ये भी चार मार्क वाले क्वेश्चन है. चलो एक लास्ट का कंसेप्ट बचा उसके बाद अपना सर्कुलर मोशन खत्म हो जाता है. ठीक है आगे बढ़ू मैं या लिख के हो गया आपका है सर. एक मिनट ले लो दो मिनट ले लो दो मिनट ले लो. सर हाँ बोलो सर. वो जो क्वेश्चन 13 है पेज 111 का उसमें हाँ छोड़ो जाने दो होमवर्क है तो बाद में. उसमें क्या है नहीं मुझे एक मतलब अलग मेथड सोचा था बट जाने दो. होमवर्क में मैं करके आपको भेज देता हूँ. ठीक है ओके. ठीक है अभी एक काम करो गाइस इसके बाद अभी लास्ट के कुछ क्वेश्चन है मतलब ये भी कंसेप्ट ही है मतलब क्वेश्चन ही है. मैं ऐसे कंसेप्ट की तरह बताऊंगा आपको. क्वेश्चन नंबर 25 देखो गाइस सब लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखो. क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो मतलब
सडन भाई क्वेश्चन पढ़ के हो गया आपका yes, ठीक है। अब यहाँ पे एक नया कंसेप्ट आ गया और इस कंसेप्ट का नाम है रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब रेडियस ऑफ कर्वेचर होता क्या है मैं आपको बताता हूं। एकदम पहली बात, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर एक मैथ्स का टर्म है। तो जहां पे जैसे कि ये वाला पाथ कौन सा है, ये एक्चुअली मुझे होता है सर्कल है क्या, ये सर्कल है क्या? नो सर, नहीं ये कौन सा है, ये भाई सर्कल नहीं है, पैराबोला है ना भाई, भूल गए क्या? ओके ओके पैराबोला। ये कौन सा पैथ है? पैराबोला पाथ। तो उन्होंने बोला जब ये पार्टिकल एकदम हाईएस्ट टॉप मोस्ट पॉइंट पे रहेगा, जैसे इसका स्पीड v है, h max पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सपोज ये मुझे बताओ ये जो वेलोसिटी है, कोई ना कोई सर्कल कोई टेंजेंट होगा? यस सर भाई, ये जो वेलोसिटी है, ये जो स्पीड है, कोई ना कोई सर्कल को क्या होगा? टेंजेंट। तो ये टेंजेंट, ये उस सर्कल का क्या पूछा है मुझे? रेडियस। तो जो सर्कल को वो टेंजेंट, सर्कल का रेडियस पूछा, और उस रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस। जैसे इसका सेंटर है तो उस सर्कल को, उस रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्वेश्चन, जो वापस एक एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, मतलब इवन जेई मेन के अच्छे लेवल पे पूछते हैं क्वेश्चंस। तो अब मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कहां पे रहेगा, टुवर्ड्स कहां पे रहेगा? सेंटर। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी रहेगी बताओ मुझे? AR is equal to G। हां नहीं, पहले एक्सेलरेशन कितना होगा? v² / r। ठीक है, अब मुझे बताओ यहां पे कौन सा फोर्स है इस मास m के ऊपर, कौन सा फोर्स है? सिर्फ ग्रेविटी? जी यस। तो मुझे बताओ इस केस में mg और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में, तो mg की वैल्यू क्या लिखेंगे अपन? mg = v² / r। तो mm कट हो गया, तो रेडियस की वैल्यू क्या आ गई? लेकिन मुझे बताओ v को इन टर्म्स ऑफ मुझे क्या निकालना है? u cos θ² हाँ, तो एक बात मुझे बताओ, इसका जो x कंपोनेंट होता है ux, कितना होता है वो? u cos θ। मुझे बताओ u cos θ हमेशा x कंपोनेंट क्या रहता है? सेम ही रहता है। ठीक है, तो v की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? u cos θ। v की वैल्यू u cos θ हो गई, जो यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? u² cos² θ अपॉन क्या जाएगा? जी, ये मेरा आंसर, ये हो गया मेरा रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? ये मेरा क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है। तो ये कंसेप्ट भी है और एक क्वेश्चन भी इसके ऊपर आता है जो मैंने अभी आपको करवाया। इस चीज को लिख दो, मैं भी छोड़ दूंगा 10 मिनट में, छोड़ दूंगा क्लास गाइस, 12 बजे छोड़ दूंगा क्लास। मुझे तो पहले इतने ही सारे क्वेश्चन आपको हेवी गए होंगे ऐसा मुझे लग रहा है। हाँ सर मुझे पता है, क्योंकि एडवांस का क्वेश्चन है ना। मैं आपको बोला भी था पिछले क्लास में, क्योंकि सर्कुलर मोशन का अपना सर्कुलर मोशन पिछले लेक्चर में खत्म हो चुका था। ये सारे जो क्वेश्चन जो बता रहा हूँ मैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, थोड़े से एडवांस बेस्ड थे, अच्छे वाले क्वेश्चन है, मतलब जेई मेन्स में भी आते हैं, जेई मेन के प्रो लेवल पे आते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि नॉर्मल नीट वालों को तो अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, इस पूरे वीडियो का रिकॉर्डिंग देख लेना,
इसके लिए आपका मैथ भी अच्छा होना चाहिए, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। एक अच्छी चीज है, आपके पास सबके पास रिकॉर्डिंग्स होती है, ठीक है, तो रिकॉर्डिंग्स वापस वापस देखते रहना। हाँ, जेई एडवांस में गाइस, जेई एडवांस में जो डिफिकल्ट लेवल, देखो जेई एडवांस में तीन टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड। जो मैंने अभी यहां पे किए वो इजी एंड थोड़े थोड़े मीडियम लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन था। सर हार्ड वाले तो आज वाले होंगे ना फिर? हाँ, हार्ड वाले तो मतलब आदमी का जय हिंद कर लेते हैं। हाँ सर, डायग्राम देख के ही हो जाता है। हार्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं, मैं वो एडवांस प्लस बैच में, हार्ड वाले क्वेश्चन में एडवांस प्लस बैच में कराऊंगा, तो इसलिए मैंने आपको बोला एडवांस प्लस बैच में बहुत ही मतलब सुपर लेवल क्वेश्चन जाएंगे। तो इस केस में कैसे होता है, मैं अभी जे एडवांस के भी क्वेश्चन कराता ही हूँ, मतलब इवन एनएलएम फिक्शन में भी करवाया हुआ है। एनएलएम फिक्शन में थोड़ा सा कुछ कुछ कंसेप्ट बचा हुआ है, वेज कंस्टेंट, स्ट्रिंग कंस्टेंट कॉम्बिनेशन। फिक्शन में भी कुछ कुछ दो तीन ब्लॉक के क्वेश्चन, ये सारे एडवांस के क्वेश्चन है अच्छे लेवल के, तो मैं इस बैच में कराऊंगा उसको, ठीक है। अब इसमें उसमें होता क्या है गाइस, पता है जे एडवांस में एक सिंपल सा फंडा होता है। जे एडवांस के पेपर पेपर में अब तक आपको पता है, अभी तक के रिकॉर्ड में किसी को भी फूल कभी आए ही नहीं है, ना आएंगे, ठीक है, क्यों? ना सर, एडवांस में, एडवांस में तो एडवांस में किसी को फूल कभी आए नहीं और ना कभी आएंगे। होता क्या है, जैसे फिजिक्स है, फिजिक्स में एडवांस में पेपर वन में, जैसे पेपर वन पेपर टू दो पेपर होते हैं ना, मैंने बोला था दो पेपर होते हैं, फिजिक्स के भी दो पेपर होते हैं, मतलब जो एडवांस होती है तो सुबह एक तीन घंटे का पेपर होता है, शाम का तीन घंटे का पेपर, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एक एक घंटा, एक घंटा एक घंटा एक घंटा। तो पेपर वन में कुछ 18 क्वेश्चन रहेंगे, पेपर टू में जैसे 16 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो आपको पता है ये 18 प्लस 16, मतलब एक दिन में आपको एक अराउंड एक 30-34 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, मतलब वो पूरे 6 घंटे में, ठीक है, फिजिक्स के, जिसमें आउट ऑफ 18 क्वेश्चन आपको पता है हमेशा जेई एडवांस में एक दो से तीन क्वेश्चंस ऐसे बनाए जाते कि जो किसी से ना हो इंडिया में, आप समझ रहे हो, इंडिया में किसी से ना हो, मतलब बहुत तगड़े बच्चे होते, बहुत तगड़े मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी, जिसको अपन बोलते हैं कि भाई जिनका दिमाग जो है ना वो सुपर, मतलब एकदम न्यूटन एंड आइंस्टीन की तरह चलता है, ठीक है, ऐसे बच्चे होते, दो चार बच्चे होते ऐसे इंडिया में, पूरे इंडिया में, उनके लिए भी वो डिफिकल्ट जाता है, समझ रहे हैं, उसके लिए भी वो हार्ड, एकदम गिफ्टेड वाले उनके लिए भी वो उनके लिए भी डिफिकल्ट जाते हैं वो। आपको पता है जे एडवांस 2016 भाई पेपर ऐसे था, फिजिक्स का पेपर सबकी हालत खराब कर दी थी इस फिजिक्स के पेपर ने, जे एडवांस 2016 एंड जे एडवांस 2014 में भी अच्छा क्वेश्चन पेपर था, ठीक है। तो जे एडवांस 16 वन ऑफ द टफेस्ट पेपर फिजिक्स का अब तक का माना जाता है, अब तक के पूरे लाइफ में जे एडवांस के 2016 का सबसे टफेस्ट पेपर माना जाता है फिजिक्स का, ठीक है। उसमें तो हालत खराब हो गई थी गाइस, हालत मतलब हालत खराब लोगों की, उसमें तो आउट ऑफ 18 क्वेश्चन एक मतलब लोगों के 4 से 5 क्वेश्चन भी आपको आ गए ना, आप IIT में थे, मतलब एक में 4 से 5 क्वेश्चन, इसमें 4 से 5 क्वेश्चन, नहीं वो दूंगा मैं, मतलब वो वाले क्वेश्चंस में आपको एडवांस प्लस बैच में करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा, बस आपको ना आपको दिमाग बनाना पड़ता है उसके लिए, धीरे 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 तो हो जाएगा। आप गूगल पे क्वेश्चन पेपर, लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि अपना पोर्शन उतना हुआ नहीं है ना, मतलब तो पोर्शन हुआ नहीं है। डिसम्बर में देखो, अभी कुछ मत देखो, अभी कोई पेपर मत देखो, डिसम्बर में पेपर देखो, ठीक है। लिख के हो गया आपका, लिख के हो गया, यस सर, यस सर। चलो एक लास्ट का क्वेश्चन करोगे, लास्ट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 करो। नहीं तो एक काम करो, चलो सुनो सुनो, आपका वैसे भी सेकंड 2:00 to 4:30 करना ही है आपको, छोड़ दो क्वेश्चन, मैं आपको जो बता रहा हूँ। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं नहीं सर, कुछ नहीं कुछ नहीं।
हाँ अभी आपको एक काम करना है, मैं अभी छोड़ देता हूँ क्योंकि 2 बजे आपको वापस लेक्चर अटेंड करना ही है। तो सर्कुलर मोशन पूरा का पूरा कर लो, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब कुछ कर लो, सॉल्व एग्जांपल भी सर्कुलर मोशन के कर डालोगे आप लोग, ठीक है। और मैं आपको बताने वाला हूँ कि पूरा का पूरा अपना गूगल क्लासरूम अभी मतलब ऑलमोस्ट आपका सबका रजिस्टर हो चुका है, अभी आपको सबके अकाउंट्स मिल जाएंगे। ये जो 4 वीक से आगे के 4 वीक जिसमें पीटीएम होने वाला है, सारा होमवर्क प्रॉपर तरीके से आपको अभी सबमिट करना है गूगल क्लासरूम के ऊपर, ठीक है। तो गूगल क्लासरूम के ऊपर होमवर्क सबमिट होगा, जो भी आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो चेक करके आपको बता जाएंगे कि क्वेश्चंस आपने नहीं किए हुए, ठीक है। और वो वर्कशीट से किया जाएगा, मतलब आपको वर्कशीट से आपके पास सबके पास कुछ कुछ लोगों के पास अभी तक मॉडल्स पहुंचे नहीं है, मॉडल्स तब तक पहुंच जाएंगे सबके पास, तब तक मैं वर्कशीट देते रहूंगा, वर्कशीट से आपको करो करना क्वेश्चन, ठीक है। और एचसी वर्मा से, वर्कशीट है एचसी वर्मा, इन दोनों से आपको पूरे के पूरे हर एक चीजें आपको करनी है, ठीक है। तो अभी ध्यान में रखना गाइस, अभी आपका होमवर्क है इस क्वेश्चन में, होमवर्क देखो क्या है, कौन सा होमवर्क आप करोगे। एचसी वर्मा पहले क्या करोगे, एचसी वर्मा के कौन से एग्जांपल, सारे सॉल्व एग्जांपल को आपको प्रॉपर तरीके से लिखना है, सॉल्व एग्जांपल है तो प्रॉपर तरीके से आपको लिखना है, उसको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है। होमवर्क में कितने क्वेश्चन है, वो अराउंड 13 क्वेश्चन है, तो 13 क्वेश्चन है, उसमें से मैं आपको वापस बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12 और 13, ठीक है। नहीं आज नहीं करना है, मैं ये इसको आपको सबमिट करना है बाय बाय ट्यूजडे सर। हाँ बोलो सर, पेज नंबर बोल सकते हो आप प्लीज, बाय वेनसडे करो, चलो बाय वेनसडे पेज नंबर। अरे सॉल्व एग्जांपल है ना यार, सॉल्व एग्जांपल तो पेज भी एचसी वर्मा का पेज वो देख लो ना, मतलब सॉल्व एग्जांपल की सर। ये लेक्चर का रिकॉर्डिंग आज तक डाल दोगे, मतलब आज? हाँ मैं आज डाल दूंगा। ओके सर, जीरो सर, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज, ठीक है। एक्सरसाइज में भी कुछ कुछ क्वेश्चन आपको करने हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर जो मैं बोल रहा हूँ वो सब लोग करते जाओ, क्वेश्चन नंबर 1, 2, ठीक है। 4, 5 आपने किया भी होगा तभी वापस करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो अपने क्लास में किया है, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, 11 ये आपको वापस करके दिखाना है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 16, 18, 18 क्वेश्चन मैंने आज दिया था आपको, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार मार्क किया मैंने। ये सारे क्वेश्चंस मैंने क्या कौन से आपको एग्जांपल बोले, मैं इसीलिए आपको वेनसडे का तक टाइम दे रहा हूं मैं आपको, बाय वेनसडे ये पूरा का पूरा आपको सबमिट करना है। बाय सर, वो कोई पूछ रहा था ना सॉल्व एग्जाम का पेज नंबर, वो 107 है। आप पेज नंबर 107 मिला, थैंक यू। तो मैंने क्या बोला, सॉल्व एग्जांपल्स सारे और ये एक्सरसाइज में से इतने क्वेश्चन, ये पेज 107 है और ये पेज कितना है, 114, ठीक है। इतना आपको अभी ये जो करना है आपको गूगल क्लासरूम में डालना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ओके सर, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अपन वापस 2 बजे सर। सर हाँ बोलो 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 सर, वो कैलकुलस की वर्कशीट सॉल्व करना चालू कर लेना। हाँ कैलकुलस की वर्कशीट सॉल्व करना चालू करना, उसका डिस्कशन है आज रात को। ओके वो मिल, वो आपको मैं भेज दूंगा सबको। हाय सर, सर बाय बोलो। गूगल का क्लासरूम का मतलब आईडीज कब तक मिलेगा? वो आज मैं सबको, मैं हेमांगी मैडम और सब जो है वो आपको भेज देंगे हर एक, ठीक है। वो बनाया हुआ है उन्होंने, 5 दिन पहले ही बनाया, लेकिन मैं सोचा कि मैं अभी मैं ही बताऊंगा क्लास में, आपको मिल जाएगा आज और कल में। ये वेनेसडे तक सबमिट करना है ना? ये वेनेसडे तक सबमिट करना है। ओके सर, क्योंकि आपको संडे को टेस्ट है, संडे के लिए पढ़ोगे आप स्केलर वेक्टर एंड कैलकुलस,
तो कल आपका वो पढ़ने जाएगा, संडे को आप टेस्ट दोगे, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा करने के लिए, ठीक है? सर काइनेमैटिक्स का कैलकुलस पार्ट, हाँ वो भी करेंगे ना, वो अगले हफ्ते करेंगे, आगे फिर टेस्ट भी आ रहा है ना। हाँ हाँ तो ठीक है, मैं कराऊंगा, टेंशन मत लो, अगले हफ्ते वही करना है। अगले हफ्ते में कोई वर्क पावर एनर्जी पढ़ाने वाला हूँ नहीं, मैं काइनेमैटिक्स में ही फोकस करने वाला, ठीक है? Bye. Bye, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Bye, guys. Bye.